फतेहपुर जनपद में ही नहीं होली का त्योहार पूरे भारतवर्ष में बड़े ही उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया जाता है। होली के त्योहार में खोवा, जिसे मावा भी कहते हैं, इसकी जरूरत गरीब अमीर सभी खरीद करते हैं। इसलिए खोवा 400 से लेकर 500 रुपए किलो की दर से बिका और लोग खरीदारी में लगे रहे। छोटे छोटे बच्चों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। चौराहे से लेकर बस स्टॉप तक रंग अबीर गुलाल व रंग बिरंगी हेयर बिग के साथ साथ अजीबो गरीब मुखौटे खरीदते नजर आए। होली के त्योहार में बाजार में खासी चहल पहल दिखाई पड़ी। जबकि इस समय दुनिया का हर देश कोरोना वायरस को लेकर चिंतित है और भारत भी इससे अछूता नहीं है, फिर भी लोगों के मन में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मौके पर रंग हमारे जीवन में एक नई उमंग का संचार करता है और आपसी भेदभाव को भूलकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले लगते हैं। नगर में देर शाम को होलिका दहन हुआ, जिसमें लोगों ने पूजा करके परिक्रमा की और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र सिंह, SSI गोविंद सिंह चौहान, SI संजीव सिंह, कस्बा हिजार जंगुर के अतवास व स्टाफ ने कस्बे का पैदल गश्त किया। क्षेत्र में कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए कोतवाली क्षेत्र के आसपास के गांवों में पुलिस सुरक्षा लगाई गई। कोतवाली प्रभारी के साथ साथ नगर के लोगों का अच्छा सहयोग मिलता रहा है। होली के त्योहार को हंसी खुशी से मनाएं और गजिया पकवान खाएं और खिलाएं, नशीले पदार्थों का सेवन न ही करें तो अच्छा रहेगा। आइए सुने क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक जी। MP यूजकास्ट ब्यूरो संजय पटेल, कैमरामैन अजय मौर्य की रिपोर्ट, फतेहपुर से। स्वस्थ रूप से होली के त्यौहार का आनंद लें। किसी प्रकार के नशे अथवा किसी प्रकार के ऐसी परिस्थिति जैसे कि रैश ड्राइविंग एवं विभिन्न पदार्थों, खासतौर पर नशीले पदार्थों का सेवन, इनसे दूर रहें एवं स्वस्थ एवं सुरक्षित होली मनाएं। एक बार पुनः आप सभी के माध्यम से क्षेत्र की जनता को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।